भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर दिग्गज एजेंसियां लगातार अपने अनुमान बढ़ा रही हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी के रास्ते में कई चुनौतियों का सामना भी देसी इकोनॉमी कर रही है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजगार तक शामिल है। चलिए पहले मैन्युफैक्चरिंग के सामने जो मुश्किलें हैं उन पर बात कर लेते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI के तहत 2023-24 में 6,800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन रकम जारी की गई है, जबकि सरकार का टारगेट 11,000 करोड़ रुपए का था। इसकी एक वजह बीते कारोबारी साल में FDI में आई गिरावट भी है। हालांकि DPIIT के मुताबिक अब तक इस योजना के जरिए 1.13 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 9.5 करोड़ रुपए का उत्पादन, 8 लाख रोजगार और 3.45 लाख करोड़ रुपए का निर्यात बीते कारोबारी साल में आई गिरावट से ना घबराने का हौसला दे रहा है। वैसे भी जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग PMI रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है, उससे भी माना जा रहा है कि हालात जल्द ही बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सरकार को छोटे मैन्युफैक्चरर्स की मुश्किलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत में बीते साल PLI में FDI घटा है, तो प्राइवेट इक्विटी निवेश 6 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गया है। 6 साल के न्यूनतम स्तर पर PE निवेश की अगर बात करें, भारत में प्राइवेट इक्विटी निवेश 2023-24 में घटकर 24.2 अरब डॉलर पर आ गया है। ये 2022-23 के 45.8 अरब डॉलर के मुकाबले 47% कम है, जबकि 2021-22 में PE निवेश रिकॉर्ड 80 अरब डॉलर था। इसके बाद चिंता की अगली वजह IITs का निराशाजनक प्लेसमेंट सीजन है। इस साल IIT ग्रेजुएट्स को नौकरी तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुरानी IITs में छात्रों को 30% कम प्लेसमेंट मिला है, वहीं सैलरी ऑफर 15% से 25% तक घटे हैं। इन चुनौतियों के लिए ज्यादा जिम्मेदार विदेशी हालात है। दरअसल ग्लोबल आर्थिक सुस्ती के असर से भारत अपनी पूरी क्षमता से विकास नहीं कर पा रहा है। दुनिया भर में भू राजनीतिक और महंगाई के असर से जारी आर्थिक सुस्ती के चलते इस साल ग्लोबल ट्रेंड में 1.2% की कमी का GTRI ने अनुमान जताया है, जबकि WTO ने 2024 के लिए विश्व व्यापार में 2.6% की बढ़ोतरी की बात कही है। वहीं कच्चे तेल का बढ़कर $91 पर पहुंचना, निर्यात पर दबाव बढ़ाना और स्टार्टअप्स के साथ ही दूसरे सेक्टर्स को फंडिंग मिलने में कमी आना भी इकोनॉमी के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस।